दोस्तों नमस्कार। टीवी वन इंडिया के इस खास कार्यक्रम मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मंथन में चर्चा करेंगे 9 मई के मनपा चुनाव को लेकर, यहाँ के राजनीतिक पार्टियों के हालत को लेकर और जीत और हार को लेकर और यहाँ प्रमुख मुद्दों को लेकर। और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजीव मोहन मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे यहीं से शुरू करते हैं कि अब महानगर पालिका के 9 मई महानगर पालिका के चुनाव बस अब जल्द ही घोषित होने वाले हैं, आपको इन चुनावों के परिदृश्य में क्या लग रहा है, क्या स्थिति नजर आ रही है आपको इस चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आजकल सारी राजनीतिक पार्टियां को एक गाना बहुत याद आ रहा होगा कि बहुत देर से तेरे दर पे आंखें लड़ी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो जो मनपा चुनाव मई महीने में पिछले साल होने थे और उसका रिजल्ट वगैरह सब डिक्लेयर मई महीने तक हो जाना था, वो कोरोना काल की वजह से एक साल टल गया। लेकिन इस एक साल के टलने के कारण जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से नवी मुंबई महानगर पालिका जनप्रतिनिधियों के हाथ से निकल कर के प्रशासक के हाथ में चली गई, और प्रशासक के हाथ में जाने के बाद जो कोरोना काल के दौरान जो कुछ भी एक्टिविटीज हुए यहाँ, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को क्रेडिट लेने का मौका नहीं मिला। वो पूरी की पूरी चली गई प्रशासन को, तो उसको लेकर के एक थोड़ा सा परिवर्तन आया। दूसरी बात कि जब प्रशासन कोई काम करता है तो उसका क्रेडिट भले ही नवी मुंबई महानगर पालिका में इसके पहले सत्ता किसकी भी रही हो, लेकिन वो सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है। तो वो जो क्रेडिट ट्रांसफर होता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसका एक बेनिफिट जो स्टेट में सत्ता रहती है सत्तारूढ़ पार्टी, उसको थोड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो मनपा चुनाव है ये बहुत ही, इस बार का जो नवी मुंबई महानगर पालिका का जो मनपा चुनाव है, जो पिछले कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि करीब करीब एक तरफा माना जाता है कि भैया एक खास विशेष आदमी के नेतृत्व में मनपा पर सत्ता स्थापित होती आई है, और चुनाव से पहले भी लोग ये अनुमान करके चलते हैं कि उन्हीं की सत्ता होगी, मगर इस बार जो दृश्य है वो बदले दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे लगता है। आप अगर गौर करेंगे तो बिल्कुल कोरोना लॉकडाउन के दौरान ही बिहार के चुनाव हुए थे और तमाम अभी महाराष्ट्र में पंचायत के चुनाव हुए हैं, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि इस कोरोना और लॉकडाउन की आड़ में शायद ये महानगर पालिका चुनाव, जो 9 मई का महानगर पालिका चुनाव, उसको आगे ढकेला गया। आपका नजरिया क्या है इसमें, क्या एनालिसिस है इसमें? मुझे ऐसा लगता है ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ना कोरोना को लेकर के शुरू से ही अगर आप देखेंगे तो बाकी राज्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा एक्टिव रही है। जैसे अगर आप देखें लॉकडाउन के पहले, मतलब जब कहीं पूरे देश में लॉकडाउन नहीं था, तभी उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन की बात कह दी थी। तो वो सब चीजें जब आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे, चूंकि महाराष्ट्र में बहुत तेजी से कोरोना फैला भी और बहुत ऐसा लग रहा था कि पूरे देश के कोरोना की स्थिति एक तरफ और महाराष्ट्र की एक तरफ, वैसी स्थिति में उद्धव ठाकरे जी का हमको लगता है कि ये उनका जेन्युइन ये प्रयास रहा होगा कि यहाँ पर अभी चुनावी माहौल वगैरह पैदा न हो। और जो पंचायत चुनाव भी हुआ तो आप देखिए, जब कोरोना एक तरह से लोगों को एकदम दिमाग से अब जाने लगा था या कोरोना का जो भय है वो समाप्त होने लगा था, तब जाके महाराष्ट्र में पंचायत के चुनाव हुए। तो मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय कदम है, इसको किसी और सेंस में नहीं देखा जाना चाहिए। बीजेपी कहती है कि ये जानबूझकर सरकार इसलिए लेट कर रही है, खासकर सत्तारूढ़ जो दल है जैसे शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी है, ये इस वक्त रूलिंग में है और ये पार्टियां इसलिए इस चुनाव को देर कर रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को कमजोर किया जा सके। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई ऐसा है कि अगर चुनाव देरी से हो रहे हैं तो इसमें सत्तारूढ़ दल को, बीजेपी को कमजोर करने का अच्छा अवसर मिल रहा है? नहीं, देखो जैसे आप बात करोगे 2019 की, तो 2019 के समय में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा में, जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने किया है और अकेली पार्टी के रूप में जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, तो निश्चित तौर पे इतना तो जरूर है कि बीजेपी को ये होप है कि वो स्थानीय निकायों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है अगर तुरंत चुनाव हो जाते। तो तुरंत चुनाव हुआ नहीं, वो चुनाव हो गया एक साल डिले। तो उसी में अगर आप देखेंगे तो पंचायत चुनाव में आपको दिखेगा कि जो महाविकास अघाड़ी की सरकार एक साल चली उसका इफेक्ट पंचायत चुनाव पे दिखाई दिया, साफ दिखाई। और उसमें आपने देखा होगा कि तीनों पार्टियों का अगर आप
ये कंबाइन करके जोड़ देंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर उन लोगों ने बीजेपी को पीछे छोड़ा, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो एक जब आप एक साल काम करने का आपको मौका मिल चुका है, आप परफॉर्म किए हैं कुछ भी गवर्नमेंट, अब वो किस लेवल पर कितना परफॉर्म किए वो अलग बात है, लेकिन उनको परफॉर्म करने का मौका मिला और इस परफॉर्मेंस का निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ असर आने वाले कोई भी चुनाव होंगे, अभी जैसे केवल नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव तो है नहीं, 6-6 महानगर पालिका का चुनाव होना, तो उस पर निश्चित तौर पर इनके एक साल के कार्यकाल का परफॉर्मेंस का असर दिखाई देगा। अब इस बीच के दिनों में जैसा आपने खुद भी कहा कि निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल को काम करने का जब मौका मिलता है तो उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये जो बीच का जो दौर रहा है देखा है बीजेपी तेजी से कमजोर हुई है नवी मुंबई में। तमाम जो दिग्गज नगर सेवक गणेश नाइक के समर्थक थे, खासकर मैं बीजेपी की बात नहीं करूँगा, गणेश नाइक के जो साथ में नगर सेवक थे वो जिस तरह से एनसीपी छोड़ के गणेश नाइक के साथ भाजपा में गए थे उसी तेजी के साथ जो है वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। आप इस दल बदल को कितना खतरनाक मानते हैं बीजेपी के लिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए, अगर हम विधानसभा के चुनाव से तुलना करें तो विधानसभा का दोनों सीट जो नवी मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आता है, चाहे वो बेलापुर हो या एरोली हो, वो दोनों सीटें बीजेपी के विधायक जीतने में कामयाब हुए। ऐसी स्थिति में बीजेपी को बहुत स्ट्रांग यहाँ होना चाहिए था, मगर आप देखेंगे कि परिस्थितियां बदली हैं। जो बीजेपी दोनों विधानसभा इलेक्शन को जीतने में 2019 में कामयाब रही, उसी बीजेपी से अब भागने वालों की संख्या, नगर सेवकों के भागने वालों की संख्या, जबकि गणेश नाइक और मंदाताई के रूप में बहुत स्ट्रांग नेतृत्व बीजेपी के पास यहाँ मौजूद है। यस, और यहाँ पर अगर बाकी की पार्टी की आप बात करेंगे, चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, उनके पास उस लेवल का कोई भी नेतृत्व मौजूद नहीं है। मगर मैं इस बात के लिए निश्चित तौर पर एक बात मैं कह सकता हूँ कि जो एकनाथ शिंदे हैं जिनको आप थाने जिला का पालक मंत्री वर्तमान में आप देख रहे हैं, वो आदमी के पास एक संगठक शक्ति जो है ना वो बहुत मजबूत है, और उस आदमी को मोर्चा बांधनी, जिसको आप लोग बोलते हैं मोर्चा बांधनी करने में वो आदमी माहिर है। तो वो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इस बार, जैसे पहले वो थाने में थे, फिर उन्होंने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में अपना कब्जा जमाया, और फिर थोड़ा बहुत वो मीरा भाईंदर वगैरह को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से इस बार मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई महानगर पालिका को अपने टारगेट में लिया है, और मुझे जो दिखाई दे रहा है कि वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। आप देखेंगे तो अरौली विधानसभा क्षेत्र और बेलापुर विधानसभा क्षेत्र, अरौली विधानसभा क्षेत्र में गणेश नाइक जी विधायक हैं, और सबसे ज़्यादा अगर जो दल बदल हुआ है तो अरौली विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, तो क्या ये साफ तौर पर नहीं लग रहा है कि एनसीपी और शिवसेना दोनों मिलकर गणेश नाइक को खास तौर पर कमजोर करना चाहते हैं, जो साफ तौर पर दिख भी रहा है? देखिए, एक बात तो आप मान के चलो कि गणेश नाइक एक ऐसा नाम है जो नवी मुंबई महानगर पालिका के मामले में उनका एक अलग वर्चस्व रहा है, या आप आज से नहीं 25 साल से हम लोग जानते हैं। बिल्कुल, ऐसे में जब तक गणेश नाइक को टारगेट आप नहीं करोगे तब तक नवी मुंबई महानगर पालिका पर दूसरे किसी पार्टी की सत्ता का आना मुश्किल है। अभी अगर आप देखने जाओ तो गणेश नाइक के जो बहुत दिग्गज हैंड्स थे, जिनको लोग मानते थे कि ये गणेश नाइक के बहुत मजबूत ताकत है, वो उसमें से अगर आप देखने जाओ तो पहले एमके मड़वी वगैरह निकल गए, उसके बाद नवीन गौते वगैरह निकल गए, सुरेश कुलकर्णी जैसा एक महत्वपूर्ण शख्स उनके हाथ से बाहर चला गया। अभी अगर आप तुर्बे साइड में देखने जाओगे, हालांकि वो बेलापुर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन वहां विजय चौगले आपको मालूम ही है पहले ही चले गए थे इनको छोड़ करके। तो इस तरीके से अब आप समझो कि एरोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शक्तियां थी गणेश नाइक के पक्ष की, वो तो उनको छोड़ चुके हैं। अब एकाद अगर आप चेहरा अगर देखने जाओगे तो उनको छोड़ के अब उनके पास कोई चेहरा बचा नहीं है। जैसे एक आप मान लो अनंत सुतार को आप मान सकते हो, सुधाकर सोनोने को मान सकते हो, जो अभी तक गणेश नाइक के साथ ताकत के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब एरोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गणेश नाइक के पास कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है जिसको वो नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनावी लेवल पर उसका इस्तेमाल कर सके या उसको प्रोजेक्ट करके उनको कुछ ताकत मिल सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि एरोली विधानसभा क्षेत्र जो है वो बुरी तरह थोड़ा डैमेज होगा इस बार के नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में। और रही बात बेलापुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ भी चूंकि महाविकास आघाड़ी है और सेना का पहले से ही थोड़ा सा अपना एक उनका भी एक संगठन शक्ति काफी शुरू से रहा है, तो वैसी स्थिति में मुझे
मुझे लगता है कि बेलापुर की भी जो सिचुएशन बीजेपी की थी उसमें भी थोड़ा परिवर्तन आएगा। हालांकि बेलापुर विधानसभा में कितना परिवर्तन आएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा परिवर्तन आएगा। और यहाँ भी महाविकास अघाड़ी की जो वर्तमान में जो सीटें हैं महानगरपालिका चुनाव के हिसाब से आप देखेंगे तो वो इस बार बदलेगी और निश्चित तौर पर बेलापुर विधानसभा में भी कड़ा मुकाबला होगा। आप जिस तरह का इशारा कर रहे हैं मुझे दिख रहा है साहब की इसका मतलब है कि गणेश नाई के सामने बड़ा चैलेंज है बनिस्पत मंदा मात्रे के सामने चैलेंज जो अगर दिखता है अगर पॉलिटिकली अगर चैलेंज देखें तो क्या मंदा मात्रे के सामने बेलापुर में और ऐरोली में गणेश नाई के सामने सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज किसके सामने आपको नज़र आ रहा है? देखिए मंदा मात्रे को आप नवी मुंबई महानगर पालिका के मामले में ना कोई बड़ा कद आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी हम लोगों ने देखा है जब मंदा ताई को उनके खुद के बेटे के लिए टिकट तक नहीं मिला था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। तो वैसी स्थिति में नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर मंदा ताई को आप बहुत बड़ा एक शक्ति नहीं मान सकते या बहुत बड़ा एक उनसे कोई आप चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। मगर गणेश नाई एक ऐसा नाम है जो नवी मुंबई महानगर पालिका में हमेशा चमत्कार करते नजर आए हैं और किया है उन्होंने 1995 से लेके अभी तक। वैसी स्थिति में पूरा का पूरा जो नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है वो एक तरह से गणेश नाई की प्रतिष्ठा का है और इस बार वो अपनी प्रतिष्ठा बचा पाने में कामयाब होते हैं कि नहीं मुझे तो थोड़ा उसमें थोड़ी बहुत बड़ी चैलेंज दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि शायद ये पहला चुनाव होगा जब से नवी मुंबई महानगर पालिका बनी है तब से लेके ये पहला चुनाव होगा। एक सुषमा दांडे को जब महापौर बनाया गया था तब मुझे लगता है कि गणेश नाईक के मर्जी के विपरीत बने थे और ये जो अभी जो चुनाव होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद महापौर के निर्माण में शायद गणेश नाईक छोटे पड़ सकते हैं। पॉलिटिकल दल बदल के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा रुझान दिख रहा है शिवसेना की तरफ, कांग्रेस की तरफ कोई नहीं दिख रहा है, एनसीपी की तरफ नहीं दिख रहा है और उस कांग्रेस एनसीपी की तरफ जिसके बारे में कहा जाता है कि शरद पवार जो है इस पूरे सत्तारूढ़ पार्टी के की फैक्टर हैं, उनके विचारों से उनके प्रभाव से पूरी सरकार चल रही है और उसका असर नई मुंबई पर पड़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति की पार्टी में दलबदल नहीं हो रहा है, उसके बदले शिवसेना में दलबदल हो रहा है, कांग्रेस में कोई नहीं जा रहा है, उसका उसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए मुझे तो ये लगता है कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस दोनों ने दो व्यापारियों को अपना जिला अध्यक्ष बना दिया है। अच्छा, और जब आप व्यापारी को जिला अध्यक्ष बना दोगे आप अशोक गावड़े और अनिल कौशिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब जिला अध्यक्ष बने हुए अशोक गावड़े, आपको मालूम है वो व्यापारी आदमी है, वो जो अपना एक आध सीट जीत लेते हैं वो उतने ही से मतलब रखते हैं, बाकी के खिलाफ उनका उनको जनमत से हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ लेना देना है हमको, तो वो पार्टी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे नहीं। और इधर अनिल कौशिक को भी आप जानते हैं, वो भी व्यापारी आदमी है, वो अपना बिजनेस को ज्यादा महत्व देते हैं पॉलिटिक्स की अपेक्षा। वैसे में आप उम्मीद भी नहीं कर सकते इन लोगों के पीछे लोग विश्वास से जा पाएंगे। लेकिन सेना एक ऐसी चीज है कि अगर आप विजय नाहटा का नेतृत्व ले लीजिए तो बेलापुर में विजय नाहटा के नेतृत्व पर लोगों का विश्वास है। आप देखे हैं कि उन्होंने जब विधानसभा इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। तो विजय नाहटा में एक नेतृत्व की कुछ कला है और वो कर सकते हैं। तो बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे है और ऐरोली विधानसभा क्षेत्र ले लीजिए तब तो यहाँ तो दिग्गजों की भरमार है सेना के पास। आज के समय में विजय चौगले आप ले लीजिए, एमके मड़वी ले लीजिए, सुरेश कुलकर्णी ले लीजिए, एक ऐसे नाम है जिनके पास जनाधार अपार जनाधार है। मतलब अगर नाईक साहब को छोड़ दिया जाए तो इनके पास सेकंड लेवल में इनके पास बहुत बड़ा जनाधार है और ऐसे सब लोग जब सेना में हैं तो निश्चित तौर पे सेना की ओर लोगों का रुझान बढ़ेगा। और दूसरी चीज कि सेना भी बिल्कुल बीजेपी के फॉर्मूले पर शुरुआती से ही वो संगठन को ज्यादा महत्व देती आई है और संगठन को महत्व देने वाली पार्टियां निश्चित तौर पे आज के माहौल में उनका कद बढ़ा है और यही कारण है कि सेना की ओर लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जहां कहीं भी जाओ 10 सैनिक तो मिल ही जाएंगे। तो वैसी स्थिति में उनको जो एक मोरल सपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। एक जिक्र मैं करना चाहूंगा आपसे कि जब हम दल बदल की बात कर रहे थे तो भाजपा के बहुत सारे नगर सेवक दिग्गज, जैसे आपने खुद भी उसका हवाला दिया, सुरेश कुलकर्णी हो गए, एमके मड़वी हो गए, उसके बाद नवीन गौते हो गए और ये वैभव गायकवाड़, दिव्या गायकवाड़ हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिवसेना छोड़कर भाजपा में भी आए हैं, इसका क्या समीकरण है?
देखिए आपको मैं बताऊं, अब जैसे आपने बोला कि कुछ लोग छोड़ करके आए हैं, तो उसमें आप प्रशांत पाटिल वगैरह का जिक्र कर सकते हैं घनसौली के, लेकिन आज जो मुझे मालूम है कि प्रशांत पाटिल को अपने एक गलती लग रहा है और वो फिर से सेना की ओर झुकने को तैयार है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो प्रशांत पाटिल उस वक्त क्या सोच कर करके नाइक साहब के पास आए, कैसे आए, ये तो वो ही जान सकते हैं। बट लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में गणेश नाइक बहुत अच्छे नेतृत्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनकी संगठन शक्ति भी बहुत अच्छी रही है, मगर अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे थाने के होकर भी नवी मुंबई में उनको बेहद ही ताकत से चुनौती देने में लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो इस बार गणेश नाइक को हराने में भी कामयाब हो सकते हैं। एक मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं कि अगर आप दो साल का कार्यकाल, दो या तीन साल का मैक्सिमम अगर गौर आप करेंगे, तो शिवसेना ने उन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है जो गणेश नाइक के बेहद करीबी समर्थक माने जाते, बहुत स्ट्रांग, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि राइट हैंड। मुख्तार अंसारी गए जो हिंदी भाषियों में एक नाम था, अब नए दौर में राम आशीष यादव भी उनके साथ हो लिए, तो एक तरह से हिंदी भाषी समाज जो माइग्रेटेड समाज था वो बहुत बड़े पैमाने पर अब शिवसेना के साथ जुड़ चुका है। आप इस समाज के जुड़ने को, खासकर मैं उत्तर भारतीय और परप्रांतियों की बात कर रहा हूं, इस समाज के शिवसेना और महाघाड़ी के जुड़ने को किस तरह का संकेत देख रहे हैं? मैंने आपको पहले भी बोला ना कि ये जो एकनाथ शिंदे है ना, इनमें संगठन शक्ति बांधने की बहुत अच्छी क्षमता है, और इन्होंने क्या किया कि आज के समय में वो जानते हैं कि नवी मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर शिवसेना की जो केवल मराठी विचारधारा है उसको लेकर के बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं किया जा सकता, यहाँ जो सर्व सामान्य लोगों को साथ में लेके चलेगा वही चमत्कार कर सकता है। तो वही चीज वो रियलाइज कर गए, और वो रियलाइज करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुस्लिम वर्ग को भी अपने यहाँ प्रतिनिधित्व दिया और उत्तर भारतीय लोगों को भी प्रतिनिधित्व देना शुरू किया, वरना रामाशीष यादव जैसा जो कि पूरे उत्तर भारतीय समाज से एकमात्र जीतने वाला वो आदमी है, उनको उन्होंने किया। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी शिवसेना की जो नजर होगी मुझे ऐसा लगता है वो साउथ इंडियन के भी किसी एक नगर सेवक पर हो सकती है कि वो साउथ इंडियन को भी अपने में शामिल करें। तो ये जो एक चीज है ना, वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि नवी मुंबई को लोग समझ चुके हैं, और नवी मुंबई में कभी भी किसी प्रांत के नाम पर, किसी जात के नाम पर, किसी भाषा के नाम पर आप सत्ता स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि ये नवी मुंबई पढ़े लिखे लोगों की नगरी है, ये इस बात को समझते हैं कि भाई ये सब चीजें बिल्कुल बेवाजिब है आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए उनका मुद्दा वाजिब है। इस कारण ही हमको लगता है कि ये जो इतने दिन गणेश नाइक की यहाँ सत्ता रही, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, उन्होंने सत्ता जो काबिज की, इसके पीछे यही कारण है कि गणेश नाइक ने चूंकि इस मेट्रोपॉलिटन सिटी को बहुत संभाल के लिया और सभी जाति वर्ग के लोगों को अपने साथ रखा, तो उनको उसका फायदा मिला। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो आके उसके नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। काम बहुत किया है। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। नमस्कार, मी डॉक्टर श्याम उर्मिलाबाई चिदानंदराव मोरे आपल्या समोर लवकरच घेऊन येतोय एक आगळा वेगळा कार्यक्रम, ज्याचं नाव आहे कुछ बातें कुछ मुलाकात। मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषेतून होणाऱ्या या चर्चा सत्रात सामान्याचं असामान्य कर्तृत्व, जगमान्य नेतृत्व आणि सर्वमान्य वक्तृत्व यांच्या चर्चा होती। या चर्चेत कधी गीत असेल तर कधी संगीत असेल, कधी आत्मा असेल तर कधी परमात्मा असेल, कधी राजकारण असेल तर कधी समाजकारण असेल, कधी भावना असतील तर त्या भावनेशी संबंधित विश्व असेल, कधी ज्ञात असेल तर कधी अज्ञात असेल, कधी टाळ असेल तर कधी मृदंग असेल, कधी वाणी असेल तर कधी वाणीचा विलास असेल, कधी संशोधन तर कधी प्रबोधन असेल, आणि कधी कधी या सर्वांना गुंफणार एक भावनांचं विश्व तुमच्या समोर सादर केलं जाईल। अशा या अनोळखी पण अथक प्रवासात ओळखीचे आपण सारे जण आम्हा सोबत असणार याची आम्हाला खात्री आहे, आणि म्हणूनच भेटूया लवकरच। इस बार
चूंकि ये चुनाव थोड़ा सा अलग हो रहा है, अलग इस परिप्रेक्ष्य में कि इतना गैप एडमिनिस्ट्रेशन को कभी कभी मिला नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल जो एक्टिविटी क्रेडिट लेने की होती है ना तो बहुत बड़ी शिवसेना के पास है लोकल लेवल पर, ना ही बहुत भाजपा के पास है। ऐसे दौर में मैं जानना चाहता हूं सर कि प्रमुख मुद्दे क्या होंगे चुनाव के, और किसके किसकी ये जिम्मेदारी होगी कि अगर आज भी मुद्दे जिंदा हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब प्रशासकीय स्तर पर जो काम हुए हैं उसके क्रेडिट की बात आप कहेंगे तो निश्चित तौर पे वो महाविकास अघाड़ी की ओर जाएगी। और उसमें अगर आप देखें तो दो तीन बहुत बड़े काम हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे नेरुल और एरोली का हॉस्पिटल जो वर्षों पहले बन चुका था। विजय नाहटा जब कमिश्नर थे तब वो बन चुका था और उसके बाद इतने सालों तक वो हॉस्पिटल रन नहीं कर पाया था। आज अगर आप देखेंगे तो एक साल एक कोविड काल के दरमियान आज एक साल के अंदर उस हॉस्पिटल में आईसीयू तक स्थापित कर दी गई और जनरल हॉस्पिटल में उसको कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया गया। तो वो जो चीजें हैं ये जैसे एक बड़ा मुद्दा समझ लो कि वो बड़ी चीज एक अचीवमेंट आप बोल सकते हैं प्रशासक के रूप में, लेकिन उसका क्रेडिट सेना लेने का प्रयास निश्चित तौर पर सरकार के हाथ में। उसके बाद अगर आप देखेंगे कोविड काल के दौरान जिस तरीके से मैनेजमेंट किया गया पूरे तरीके से, तो वो जो उसमें जैसे जनप्रतिनिधियों को थोड़ा एक तरह से दरकिनार करते हुए लेकिन लोगों को कैसे इस कोविड काल में बढ़िया से बढ़िया सुविधा दिया जा सके, फैसिलिटेट किया, अगर आप वो देखने जाएंगे तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि नवी मुंबई महानगर पालिका में प्रशासक के रूप में ही सही लेकिन जो काम किया है कोविड के समय में वो बहुत तारीफे काबिल है और उसके लिए निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि इसका क्रेडिट सेना को जाने को होगा। क्यों? क्योंकि हर ऐसा बड़ा निर्णय चाहे वो एग्जीबिशन सेंटर में हॉस्पिटल के निर्माण का हो, चाहे वो इंडिया बुल्स में लोगों के क्वारंटीन सेंटर का हो, या फिर यहाँ पर मैक्सिमम क्वारंटीन सेंटर की स्थापना करने का विषय हो, एरोली और नेरुल हॉस्पिटल का विषय हो, बेलापुर हॉस्पिटल का विषय हो, सबको बड़ी गंभीरता से इस एक साल के अंदर लिया गया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब आपके ऊपर मेडिकल इमरजेंसी है और तब आप इतना अच्छा निर्णय लेते हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं, तो ये थोड़ी सी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आप सिर्फ शिवसेना को इसका क्रेडिट क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार तो सबकी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको मैं बताया कि आप एक चीज समझो, जो सत्ता में रहता है उसका क्रेडिट लेता है। जब तक नवी मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पर गणेश नाइक विराजमान थे तब तक गणेश नाइक सब चीज का नहीं, मैं गणेश नाइक की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टियों में तीन पार्टियां हैं, तो देखो आपको मैं बताऊं, आप इतना जानते हो, मैंने पहले ही बोल दिया यहाँ दो जो पार्टियां हैं ना वो अपने आप को नगण्य मान के चल रही हैं। अच्छा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी शशिकांत शिंदे को यहाँ की जिम्मेदारी मिली है, उनको कितना नवी मुंबई का नॉलेज है, मथाड़ी कामगारों को छोड़कर वो क्या जानते हैं नवी मुंबई के बारे में, कुछ नहीं जानते। तो वो से आदमी लोगों को हाथ में, अभी जितेंद्र अवार्ड साहब है कितनी बार नवी मुंबई के लोगों को आकर करके मिलने को आए, क्योंकि उन्होंने भी ये मान लिया है कि नहीं नवी मुंबई को शिवसेना के भरोसे छोड़ देना। तो इसके लिए मैं आपको शिवसेना का नाम ले रहा हूँ। अभी रह गई बात की बाकी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की, तो मैंने पहले ही कहा कि व्यापारियों को तो आपने बना दिया है जिलाध्यक्ष, तो व्यापारी जब जिलाध्यक्ष बनेंगे तो उनके पीछे जनमानस कहाँ रहेगी, जनाधार नहीं, तो जनमानस सेना के पास, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। और ऐसे भी जितने भी बड़े उद्घाटन हुए हैं उसमें आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे, राजन बिचारे, इस तरह के लोगों का ज्यादा समावेश रहा है और ये लोग हर समय पर मौजूद रहे हैं, इसलिए इसको मैं उससे जोड़ रहा हूँ। और ये मैं कतई नहीं कह रहा कि नाइक साहब ने इसके पहले कोई विकास कार्य नहीं किया, विकास कार्य बहुत किए हैं और उसका परिणाम है कि 25 साल तक उन्होंने सत्ता की। इस वक्त सबसे बड़ी तकरार इसी बात को लेकर चल रही है कि गणेश नाइक ने क्या किया, सब कुछ तो महानगर पालिका ने किया। शिवसेना का कहना है कि सारा का सारा इसने महानगर पालिका ने किया, खुद तत्कालीन आयुक्त जो विजय नाहटा और आज नेता भी हैं उन्होंने कहा। आपको क्या लग रहा है कि वाकई नवी मुंबई का विकास किसने किया है, गणेश नाइक ने किया है या महानगर पालिका प्रशासन ने किया है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे ही कोई महानगर पालिका या नगर परिषद होता है तो निश्चित तौर पे उसके कामकाज में जनप्रतिनिधियों का योगदान बहुत बड़े मामले में रहता है। वैसी स्थिति में जब पूरी सत्ता गणेश नाइक के कब्जे में रही है, गणेश नाइक के कब्जे में, गणेश नाइक के नेतृत्व में जिसको भी महापौर बनाया गया, उनके कब्जे में रही है, तो निश्चित तौर पे उस दौरान जो भी विकास कार्य हुए हैं उसके क्रेडिट तो निश्चित तौर पे गणेश नाइक को जाते हैं। लेकिन इस विकास कार्य के नाम पर जो कुछ लूट हुआ है सरकारी खजाने का, वो भी गणेश नाइक को ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि वहां थे, आपने जिस तरीके से
कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए 1 करोड़ रुपए में पूरा होना चाहिए और आप 20-20 करोड़ रुपए में उस प्रोजेक्ट को पूरा करोगे तो यह विकास नहीं कहलाता है, यह विकास के नाम पर लूट कहलाता है। और इन सब चीजों को लेकर के कभी भी गणेश नाइक थोड़ा सतर्क नहीं दिखाई दिए। अभी आप मेरे को बताओ, आप नवी मुंबई में एक भी सड़क कोई ऐसी आप नहीं बता सकते जिस पर 1 साल में दोबारा काम ना हुआ, मतलब हर 6 महीने हर 8 महीने पर उस सड़क पर काम लगता है, हर 2 साल 1 साल 3 साल पर इलेक्ट्रिक पोल बदले जाते हैं। अरे ये सब चीजें ऐसी हैं जो 25-25 साल 30-30 साल तक कंप्लीट रहनी चाहिए। सड़कों के बारे में भी दावा किया गया था कि 20 साल चलेगी, कोई सड़क रहे तो कम से कम 5 साल तो रहे। तो लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि हर समय गटर आज बनेगी, फिर उस पर पेवर लगेगा, फिर पेवर हटा करके उसको सीमेंटेड करेंगे, फिर ये करेंगे। इस तरीके से जो लूट हुई है सरकारी तिजोरी की, वो भी गणेश नाइक के काल में हुई है। दूसरी चीज की जो चीजें इनको ध्यान में रखनी चाहिए थी नाइक साहब को, एक 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे में वो बिल्कुल नहीं रहे। एक होता है ट्रांसपेरेंसी, वर्क ट्रांसपेरेंसी इन्होंने बिल्कुल नहीं रखा कि कोई भी आदमी आसानी से, पहले तो बोर्ड भी नहीं लगते थे, कौन सा काम कब वर्क ऑर्डर हुआ, कितने करोड़ का काम है, कहां से कहां तक पूरा करना है, ये भी नहीं लगते थे। वो तो हम जैसे कुछ लोगों ने आवाज उठाई तब जाके लगने लगे। दूसरी बात कि क्वालिटी कंट्रोल साहब, 25 साल नवी मुंबई महानगर पालिका को हो गए, आपके पास एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है। और जबकि संदीप नाइक जब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे तब उन्होंने कहा था कि हम दो चीज सबसे पहले लागू करेंगे, एक क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा विजिलेंस। ये दोनों ही आप इतने सालों में कभी नहीं कर पाए। उसका नतीजा क्या हुआ कि पीडब्ल्यूडी में आपका क्वालिटी कंट्रोल का चेकिंग के लिए जाते हैं आपके, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स जाते हैं और वहां 300 रुपए में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो दिस इज द सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन है, फिर मान लो पालिका स्कूल के एजुकेशन का क्वालिटी वो दिनों दिन घट रहा है। आप बोले ही वो बोलने की संख्या बढ़ रही है छात्रों की, क्वालिटी घट रही है छात्रों की संख्या इसलिए बढ़ रही है साहब क्योंकि गरीबी आ रही है, गरीबी बढ़ रही और प्राइवेट स्कूल महंगे हो रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वालिटी बढ़ रहा है। फिर हॉस्पिटल की क्वालिटी, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप करने का प्रयास कभी नहीं किया। अपने इतने बड़े हॉस्पिटल का इतना बड़ा भाग उन्होंने फोर्टी जैसे हॉस्पिटल को दे दिया। तो ये सब चीजें जो उनसे चूक हुई है, तो वो चूक भी एक बड़ा कारण है कि हो सकता है कि आप देखे मंदा मात्रे जैसी शख्स गणेश नाइक को हराने में कामयाब होंगे, जबकि अगर कद के हिसाब से देखा जाए उस समय में तो बड़ा, बड़ा तो उन दोनों में कोई कोई बराबरी नहीं थी, लेकिन हराने में कामयाब होंगे। उसके बाद दोबारा गणेश नाइक को बीजेपी ने टिकट देने के लायक भी नहीं समझा, टिकट भी उनको नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट दिया, बेटे के टिकट पर वो चुनाव लड़े। तो ये सब चीजें जो है ना, वो गणेश नाइक को बहुत ही मतलब उनके ऊपर एक बड़ा प्रहार हुई और वो प्रहार में वो कमजोर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को ये लगा है कि गणेश नाइक अब वो ताकत नहीं रह गए, यही कारण है कि उनके जो बहुत विश्वसनीय लोग थे। और उसमें एक चीज और है जिसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ नाइक साहब के पारिवारिक कमी के चलते भी इनके विश्वस्तों ने इनका साथ छोड़ा है, जो उनके द्वारा कहा जाता है, उनका सीधा सीधा आरोप रहता है कि मैं उनके यहाँ जो पारिवारिक कुछ रीजन है उसके चलते हम लोग इनको छोड़ने में मजबूर हुए हैं। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये सब बातें भी बहुत काउंट करती हैं। अभी मैं दोबारा उस सवाल पर आता हूँ कि चूंकि चुनाव है तो मुख्य है जनता जिसके साथ है वही जीतेगा। हाल के दिनों में देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कुछ भाजपा की तरफ कन्वर्ट हुई है, रुझान उसका बढ़ा है और बहुत बड़े पैमाने पर शिवसेना की तरफ बढ़ा है, जबकि ऐसा पहले माना जाता था कि मुस्लिम कम्युनिटी खासकर कांग्रेस के साथ रही और कुछ हिस्से तक 2-4-5% आप कह सकते हैं एनसीपी के साथ गई है, लेकिन अधिकांश उसका जो रुझान रहा है मुस्लिम कम्युनिटी का वो रहा है कांग्रेस की तरफ। लेकिन अभी हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं, आप जहां भी सभा समारोह बीजेपी के और शिवसेना के हो रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं नजर आती हैं, लोग नजर आते हैं, आप इस समीकरण को बदलते हुए किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मैं तो मुझे तो ये बहुत ही स्वागत योग्य बात लगती है, क्योंकि क्या है कि पहले ऐसा था कि उत्तर भारतीय और मुस्लिम मतलब शिवसेना से उनका कहीं से भी दूर दूर से नाता नहीं था। तो वो जो चेंज आया है ना, ये मुझे लगता है कि नवी मुंबई चूंकि एक इंटेलेक्चुअल सिटी है और यहाँ शिक्षित वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद मुझे ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप लगता है कि यहाँ के अगर मुस्लिम
भले वो बीजेपी से जुड़ रहे हो, सेना से जुड़े हो, बट बहुत ही वेलकमिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि उनके विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन आया है और वो किसी से एनिमिटी नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिवसेना से हमको एनिमिटी है, हमको बीजेपी से एनिमिटी है नहीं, हमको अगर बीजेपी अच्छा लग रहा है, उनकी बातें अच्छी लग रही है, तो बीजेपी के साथ भी जा रहे हैं, हम सेना के साथ भी जा रहे हैं, जिनको जाना है वो कांग्रेस के साथ भी जा रहे हैं, सपा के साथ भी जा रहे हैं, राष्ट्रवादी के साथ भी जा रहे हैं। लेकिन मैं इसको एक वेलकमिंग स्टेज मानता हूं और मैं बहुत तारीफ करूंगा वैसे मेंटेलिटी की कि भले आपके अगेंस्ट में भी कोई बोलता है और आप उसके साथ जा रहे हैं, मतलब आपने उसको परखा होगा, बहुत सारी चीजों को देखा होगा, वो आदमी आपके निश्चित तौर पे आपको ऐसी लगी होगी कि नहीं यहाँ इंसानियत भी है, तब आप वहां जा रहे हैं, तो मुझे ये वेलकमिंग स्टेज लगता है। इस बार के चुनाव में पब्लिक की नजर में क्या खास मुद्दे रहेंगे जो पब्लिक देखेगी उसको और उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अपने लोक प्रतिनिधियों को चुनेगी, खासकर पार्टियों के प्रतिनिधियों को चुनेगी? देखिए, मैं नहीं जानता कि पब्लिक क्या देखेगी, क्योंकि पब्लिक तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक भीड़ और पैसा देखती है, मुझे ऐसा लगता है, जो देखना नहीं चाहिए। भीड़ और पैसा का मतलब कि जो जितनी बड़ी गाड़ी से उतरता है वो उतना बड़ा नेता कहलाता है और जिसके पीछे जितनी भीड़ चलती है वो उतना बड़ा नेता माना जाता है। मेरा कहना यह है कि पब्लिक को दो तीन चीजें बहुत गंभीरता से देखनी चाहिए। नंबर एक कि आपके यहाँ जो वर्क हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। दूसरा कि जो भी आपके यहाँ विकास कार्य चल रहे हैं वो किसी के बाप के पैसे से नहीं चल रहे हैं, वो आपके कर के पैसे से चल रहे हैं। बिल्कुल, तो आप जो कर पैसा अपना कर चुकाते हैं उससे वो चलते हैं, तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपके कर का भुगतान जो है वो सही स्थिति में हो रहा है या फिर उसका लोग नाजायज फायदा ले रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया कि आपको ये देखना है कि आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन मिले पालिका के अंतर्गत वो करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन जब आपको मिलेगा तभी आप अपने आप को मानेंगे कि हाँ भाई आप एक अच्छा नागरिक का कर्तव्य निभा रहे हो और पालिका भी आपके साथ एक अच्छे प्रशासन का कर्तव्य निभा रही है, एक करप्शन फ्री एनवायरमेंट। दूसरा कि मैं कहता हूं कि समाज कितना भी उन्नति कर जाए लेकिन लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग किसी भी समाज में उनकी संख्या कम होने वाली नहीं है। वैसी स्थिति में कैसे लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को कैसे बेहतर से बेहतर एजुकेशन, कैसे बेहतर से बेहतर हेल्थ, ये फैसिलिटी कैसे मिल सके, वो बहुत जरूरी है। और फुटपाथ, गार्डन, रोड, ये सब तो जरूरी है ही, शहर के शहर को आकर्षक बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन शहर में इंसानियत को जिंदा रखने के लिए जो चीजें जरूरी है उसमें मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत पांच इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक ट्रांसपेरेंसी, दूसरा करप्शन फ्री एनवायरनमेंट, तीसरा टैक्स का हिसाब किताब लेने का अधिकार पब्लिक को होना चाहिए, चौथा है कि मतलब चीप एंड क्वालिटी एजुकेशन और आरोग्य सेवा, और चीप एंड क्वालिटी आरोग्य सेवा लोगों को मिलने चाहिए। और पालिका चूंकि रोजगार देने का कोई माध्यम नहीं है इतना बड़ा, इसलिए मैं उसको एम्प्लॉयमेंट से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये सब चीजें जो है पब्लिक के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि नवी मुंबई शहर पहला ऐसा सुनियोजित शहर है जिसको सब कुछ तो सिडको ने करके दिया, इनको सिर्फ उसके ऊपर मेंटेनेंस करना है और उसको थोड़ा सा रूप बदलते रहना है, तो वैसी स्थिति में बहुत सौभाग्य रहा है इस शहर का। तो इस शहर के सुनियोजन को बिगड़ने न दिया जाए, इस शहर में जो लोग रहते हैं उनके फैसिलिटीज को, हाँ स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज को डेवलप करना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि आज नवी मुंबई इतना एडवांस शहर लेकिन यहाँ से अच्छे प्लेयर्स, 25 साल से महानगर पालिका है और 50 साल से सिडको है, 70 से सिडको आ गई यहाँ पे, अभी तक कोई बहुत बड़ा चेहरा नवी मुंबई से प्लेयर के रूप में या कोई सांस्कृतिक चेहरा या कोई बॉलीवुड का चेहरा नहीं पैदा हो सका, तो कैसे कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, इनको कैसे बहुत से बेहतर डेवलप किया जाए, उस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आखिरी दो तीन सवाल आपसे, पिछली बार जर्जर इमारतों का मुद्दा यहाँ पर बहुत गरमाया रहा, अब तो सरकार ने यूनिफाइड डीसीआर में उसके लिए प्रोविजन भी कर दिया है, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, क्या इसका क्रेडिट किसको जाएगा, बीजेपी को जाएगा
या शिवसेना को जाएगा? देखिए यूनिफाइड डीसीआर की अगर हम बात करें तो उसका क्रेडिट तो पूरी तरीके से शिवसेना ही ले जाने में कामयाब होगी, क्योंकि जो बीजेपी के समय में बातचीत चल रही थी, देवेंद्र फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त 2.5 एफएसआई की बात हो रही थी। आज जो यूनिफाइड डीसीआर जब आप देखेंगे तो जिनको 1.5 एफएसआई था, अगर वो बड़े प्लॉट हैं तो उनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज वो 4.8 एफएसआई तक वो ले सकते हैं। भले उसके लिए कुछ चार्ज लगता है, लेकिन वो 4.8 एफएसआई तक वो ले सकते हैं। लेकिन मुझे इसका लोगों के लिए, जो पुराने घर में रहते हैं या जो लोग रीडेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए बहुत खुशी की खबर है ये। लेकिन मेरे को ये शहर के लिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू नजर आता है। क्यों मालूम है कि अभी जब आप इतना कम डेवलपमेंट, आप मान लो जब इतने सीमित अवस्था में जहां 1 FSI 1.5 FSI से ज्यादा किसी को नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया, तब आप देखोगे तो शहर के सड़कों पर पार्किंग की स्थिति कितनी बदहाल है, आप देख सकते हैं। लोगों के सीवरेज के कंडीशंस, अगर गांव के इलाकों में चले जाओ या तुरबे, जो आपके बाजू में तुरबे इलाका है वहां चले जाओ, तो सीवरेज के कंडीशंस देख करके आपको लगेगा कि कितने गंदे सीवरेज के कंडीशंस हैं। उसके बाद अगर आप देखने जाओ तो पानी की उपलब्धता, आप जितना एफएसआई बढ़ाओगे मतलब उतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाओगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, इन्वायरमेंट पर असर आएगा, पानी का आवश्यकता बढ़ेगा, उसी तरीके से आपको सीवरेज की आवश्यकता बढ़ेगी, संसाधनों को, तो वो सारे चीजों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और पार्किंग, तो मैं आपको बताऊं, ये जो यूनिफाइड डीसीआर है, अगर इसको इस रूप में लागू किया गया तो आने वाले समय में इस शहर की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई होगी तो पार्किंग की समस्या होगी, जो आज भी आपको, आप जाओ कहीं पर भी, आज भी आपको पार्किंग करने में जो दिक्कतें आती हैं। तो मुझे लगता है कि जो बिना सोचे समझे आप बिल्डर लॉबी के चक्कर में आकर के जो एफएसआई आप लगातार देते जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। आपने 1970 में ये कहा था कि मुंबई जो है अब और तनाव नहीं सह सकता, इसलिए नवी मुंबई की स्थापना की है। आज मुंबई में भी आपने एफएसआई बढ़ा बढ़ा करके 8 तक लेके गए, मिल कंपाउंड को 8 एफएसआई दे दिया आपने। तो ये सब चीजें जो हो रही है, ये मेरी नजर में शहर के सुनियोजन को बिगाड़ने वाली है, यहाँ के इन्वायरमेंट को बिगाड़ने वाली है, यहाँ के संसाधनों को बिगाड़ने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बजाय आप किसी दूसरे जगह को नए शहर के रूप में डेवलप करते तो ज्यादा अच्छा था। कुछ नई पार्टियां भी अभी इस चुनाव में उतरने की तैयारी में है। लास्ट जब चुनाव हुआ था, पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें आपने दस्तक दी थी, इस बार समाजवादी पार्टी दस्तक देने वाली है, वंचित बहुजन आघाड़ी दस्तक देने वाली है और मन से फिर से जोर आजमाइश करने की तैयारी में है। तो आप इस परिप्रेक्ष्य को कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी की तीन पार्टियां, चार पार्टियां, एक तरफ बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां रिपाई वगैरह, और इसके बाद ये आप समाजवादी पार्टी मन से और वंचित बहुजन आघाड़ी, ये समीकरण किस तरह का बन रहा है इस बार मुंबई मनपा चुनाव का? नहीं, जो हर इलेक्शन में आप देखेंगे कि हर इलेक्शन में इस तरह की बातें होती हैं कि जीतता तो कोई एक है लेकिन खड़े 10 होते हैं। तो जैसे बाकी के इलेक्शन में और लोग वोट कटवा पार्टी के रूप में आते हैं या वोट कटवा के रूप में आते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ वोट कटवा बोलते हैं उसको, तो वो वोट कटवा के रूप में लोग आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस की उम्मीद अगर आप कहेंगे तो मनसे से मुझे लगता है कि थोड़ा परफॉर्मेंस शायद वो कर सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैंने ये देखा है कि मनसे के लोग काम कितना किए हैं और शहर में उनका योगदान कितना है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मीडिया में वो बहुत ज्यादा छाए रहते हैं, सुर्खियों में रहे हैं। तो और उनका जो एक अपना स्टाइल है कि 20-25 लोगों को लेकर का आक्रामक शैली में आंदोलन करना, ये करना, तो वो जो एक उनका स्टाइल, ऑफिस तोड़ना, खिड़कियां तोड़ना, तो उससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत मनसे को थोड़ा प्रभाव दिखे मनसे का, लेकिन बाकी पार्टियों में मुझे अभी तो कोई जान दिखाई नहीं, कोई जुम्बिस आपको नजर नहीं आ रही है। दो आखिरी सवाल, इस बार महापौर किसका बनेगा, महाविकास आघाड़ी का बनेगा कि भाजपा का बनेगा? एक नागरिक के नाते मुझसे पूछेंगे तो मेरी इच्छा रहेगी कि गणेश नाइक की सत्ता रहे, एक नागरिक के नाते। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि इस बार गणेश नाइक की सत्ता शायद महानगर पालिका में नहीं रहेगी, इस बार महाविकास आघाड़ी की सत्ता नवी मुंबई महानगर पालिका में स्थापित होगी, और मेयर तो उसमें डिक्लेयर है कि वो शिवसेना का ही होगा, दूसरे का नहीं होगा। और मुझे एक चीज केवल मैं कह सकता हूँ कि वो भी तब होगा जब इनका सीट शेयरिंग सही होगा, मतलब अगर
80 या 80 से ज्यादा सीट पर शिवसेना लड़ेगी और बाकी के 30-31 सीट पर ये दोनों पार्टियां लड़ेंगी, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, तब जाकर के मुझे लगता है कि शिवसेना और या महाविकास अघाड़ी की सत्ता जो है वो नजदीक पहुंच जाएगी या सत्ता भी बना लेगी 100%। ऐसा लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी की सत्ता हो जाएगी और गणेश नाईक अपने सारे प्रयास करने के बाद भी शायद इस बार सत्ता से चूक जाएंगे। लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि ये सामने भले ही बात ये नज़र आ रही है कि महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन अंदर खाने सारी तैयारियां अलग अलग चल रही हैं, इसकी कोई संभावना नहीं है। और ऐसे में क्या अगर आपको लगता है कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ा गया तो वापस गणेश नाईक के ही नेतृत्व में उन्हीं के सुझाए हुए नाम के अनुसार महापौर बनेगा? नहीं देखो, अगर आप देखने जाओ ना तो गणेश नाईक का पिछले महानगर पालिका चुनाव का अगर आप एनालिसिस कर लो तो इनके पास 54 सीट के आसपास थे, ठीक है ना। 54 में से आप अगर देखने जाओ तो आज के समय में 10-12 तो निकल चुके हैं। अगर आप उधर संदीप सुतार वगैरह को आप ले लो, इधर आप वैभव गायकवाड़ वगैरह को ले लो, तो ये सब तो निकल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में 40 पर तो वो करंट पोजिशन में भी है। अभी जो आने वाला चुनाव है, ऐसे में अभी जब सेना और मजबूत हुई है, उसके बाद सेना को ताकत देने के लिए स्वयं एकनाथ शिंदे और राजन बिचारे कंटिन्यूअस निवॉम्बे में अपना डेरा जमाए हुए हैं, विजय नाटा ने भी अपनी कार्यशैली बढ़ा दी है, तो वैसी स्थिति में अब थोड़ा जो है निश्चित तौर पे सेना को हल्के में लेना तो ठीक नहीं है। सेना इस बार, और इसके पहले भी आपको मालूम है 38 सीट सेना ने जीता था, तो इस बार हमको लगता है कि सेना का जो पहुंच है वो 48-50 तक जा सकता है और बाकी के 10 सीट जो है वो राष्ट्रवादी और कांग्रेस से अरेंज हो जाएंगे और उनकी सत्ता आने का चांसेस मुझे लगता है। मिश्रा जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। कि जैसा आपने सुना कि निश्चित तौर पर इस लॉकडाउन के बाद नवंबरी मनपा चुनाव में समीकरण तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और संभावना ये भी है कि अगर महाविकास आघाड़ी ने साथ मिलकर और सीटों के सही बंटवारे के साथ चुनाव लड़ा तो जो उनका जनाधार है उसके जरिए निश्चित तौर पर बीजेपी को पछाड़ने में वो सफल हो सकते हैं। और ये भी संभावना है कि अगर ऐसा ही रहा और बीजेपी से लगातार नगर सेवकों का दल बदल चलता रहा तो आने वाले समय में नवंबरी मनपा जो मुख्यालय है उसमें लोक नेता जिनको कहते हैं गणेश नाईक, उनकी मर्जी से महापौर नहीं बैठ पाएगा। हालांकि ये इसका फैसला तो जनता के हाथ में, और जनता इसका फैसला तब करेगी जब महानगर पालिका के चुनाव होंगे, तो हम सबको उस चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नए विषय पर मंथन में चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।